दिखावटी शो ऑफ करने वाले लोगों के साथ में रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपको हर वक्त दबाने की कोशिश करते हैं, हर वक्त आपको छोटा महसूस करवाते हैं और आपको ये पता भी नहीं चलने देते। ये आर्ट होता है इन लोगों में। इस वजह से इनसे दूर रहना चाहिए ताकि आप खुश रह पाए अपने साथ, अपने रिश्तों के साथ। अब बात आती है कि ऐसे दिखावटी लोगों की पहचान कैसे की जाए। तो देखिए, इनकी पहचान करना बहुत ईजी है। सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये आपको नीचा दिखाते हैं, छोटा महसूस करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इनके पास में खुशी खुशी जाकर ये बताइए कि यार देख, हम लोगों ने अभी नई कार ली है, बलिनो ली है, ठीक है यार, अच्छी है, ये है वो है। आप अपनी खुशी, अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। आपके घर में पहली कार आई है जिसकी बहुत ज़्यादा खुशी है आप में। ये आपकी खुशी में हिस्सेदारी नहीं निभाएंगे, ये खुश नहीं होंगे। इनका रिएक्शन कैसे निकल के आएगा? हाँ यार, अच्छी बात है, पता है हमारे घर पे तो मर्सिडीज है, मेरे चाचा है ना, उन्होंने तो बलेनो कब की निकलवा ली, पुरानी भी हो गई है उनकी तो, ठीक थी, अच्छी कार है। मीन्स ये आपको दिखा देंगे कि जो तू ले रहा है ना, ये हम लेकर छोड़ चुके हैं, या इससे बड़ी चीज हमारे पास में है। ये आपकी खुशी को छोटा कर रहे। ये उन्हीं लोगों में होता है जो दिखावा करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। ये वो लोग होते हैं। एक अच्छा दोस्त, अच्छी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं करते। वो ऐसे होते हैं कि अगर आप एक बाइक भी लेकर आएंगे ना, तो आपसे पार्टी मांगकर एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे उस दिन को कि आपकी लाइफ में कोई खुशी आई है। बट ये उस टेंडेंसी के नहीं है। दूसरा इनका बिहेवियर होगा कि हर वक्त ये आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि आपने इस दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है, और ये पता नहीं कितना कुछ देखकर एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके घर पे ये कभी आए और आपके घर में पानी पीते हुए कहे कि यार मुझे ना आरओ का पानी सूट नहीं करता, हमारे यहाँ पे तो बिस्लेरी है, हम तो बॉटल लेकर आते हैं वही पीते हैं, आरओ ठीक नहीं है ना पीना, इसलिए। ये आपको ओवर चीजें करके दिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि देखो हमारी क्लास कितनी हाई फाई है, हम कैसे अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। ये हर वक्त आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि आपको तो कुछ नहीं पता, आप कैसी छोटी सी जिंदगी जी रहे हो, ये ऐसा करते हैं आपके साथ। तीसरी चीज जो आप देखेंगे कि ये सिर्फ उन लोगों से दोस्ती करेंगे जिनकी क्लास फाइनेंशियली इनसे थोड़ी नीचे होगी, जिनकी क्लास जो फाइनेंशियली उनसे ऊपर होंगे, उनसे ये लोग दोस्ती नहीं करेंगे, उनसे ये लोग चिढ़ेंगे, क्योंकि इनको अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनके आगे ये बखान कर पाए। ये शो ऑफ किसके आगे करेंगे? उसके सामने ही तो करेंगे ना जिसके पास कुछ नहीं है, तभी तो बता पाएंगे हमारे पास तो ये भी है, हमारे पास तो वो भी है। ये उससे ही बोल पाएंगे जिसके पास में नहीं है, जिसके पास में है इनसे ज्यादा है, उसके सामने ये मुंह नहीं खोल पाएंगे। इसलिए ये उन लोगों से दूर भी रहते हैं, प्लस जलते भी हैं, क्योंकि इनके अंदर जेलसी की भावना बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही आप छोटी सी चीज और नोटिस करेंगे कि ये हर वक्त सिर्फ मैं यही बात करेंगे, इन पर सिर्फ एक ही टॉपिक होगा, मैं। इनकी जिंदगी में जो भी होता है ना, उसका बखान करेंगे और हद से ज्यादा करेंगे। अगर ये दिल्ली के बाहर कहीं घूमने चले गए हैं ना, या फिर इंडिया के बाहर गलती से कहीं घूमने चले गए हैं, तो उस ट्रिप को ये इतना गाएंगे जब तक आप पक नहीं जाते। आपने एक कहावत सुनी है ना, अधभर गगरी छलकत जाए, ये बिल्कुल इनके ऊपर सूट होता है, इन लोगों के लिए ही है कि ये हद से ज्यादा गाते हैं, क्योंकि इनके पास एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। शो ऑफ करने का मतलब क्या होता है? शो ऑफ वही लोग करते हैं जिन पर कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए वो दिखावा करते हैं। जिन पर है उनको दिखावे की जरूरत नहीं होती, वो चीजें दिखती हैं। सो ऐसे दिखावटी लोगों से हमेशा दूर रहे, क्योंकि ये लोग ना तो कभी आपको आगे बढ़ने देंगे, ना कभी आपकी किसी बात से खुश होंगे। ये हमेशा आपको अंडर कॉन्फिडेंट बना के रखेंगे, हमेशा दबा के रखेंगे। अगर आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई शो ऑफ करने वाला इंसान है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।